सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अनवांटेड किट को यूज करने का एक एग्जैक्ट मेथड क्या होता है, ऑथेंटिक मेथड क्या है, प्रमाणित मेथड क्या होता है, कब ये यूज करनी चाहिए और अनवांटेड किट की जो टैबलेट्स हैं, जब आप इन टैबलेट्स को लोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे। मतलब कहने का है कि अनवांटेड किट की जो टैबलेट्स हैं, जब आप उनको खा लोगे तो आपके शरीर में होगा क्या, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको ब्लीडिंग शुरू होगी तो कब होती है, कैसी होती है और कितने टाइम पीरियड तक होती है, कौन कौन से इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किन लोगों को इन टैबलेट्स को नहीं लेना होता, और फिर जानेंगे कि जब ये प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दोबारा से प्रेगनेंसी कंफर्म कब करना है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैनल, और बिना किसी डिले के आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, जो अनवांटेड किट है इसके अंदर आपको 5 टैबलेट मिलती है। फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की होती है, 200 मिलीग्राम की टैबलेट, और जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं ये मिसोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं, 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट होती है, ठीक है। अगर बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, इन टैबलेट्स के काम करने की, तो जो पहली टैबलेट है ये प्रेगनेंसी का जो नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ख़त्म करती है, ब्लॉक करती है, उसको इनहिबिट कर देती है। मतलब कहने का है कि जो प्रेगनेंसी का नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये इसके लेवल को फॉल करवाती है, जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। पेंडिंग 4 टैबलेट्स जो हैं मिसोप्रोस्टोल, ये यूट्रस में जो बच्चेदानी हैं, जो गर्भाशय है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं। मतलब प्रेगनेंसी का जो भी मटेरियल होगा वो कॉन्ट्रैक्शंस के जब होंगी इन टैबलेट्स को लेने पर, तो जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट है वो एक्सपेल हो जाएगा। तो फर्स्ट टैबलेट लेने पर जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और जो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं इनको लेने पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं, फिर जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं और जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को कब लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इन टैबलेट्स को लेने का जो आइडियल टाइम पीरियड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके हिसाब से इन टैबलेट्स को लेने का आइडियल टाइम पीरियड विद इन 49 डेज होता है, 49 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक है। और कम से कम 30 दिन की प्रेगनेंसी होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 30 दिन में जो बेबी है वो यूट्रस में लगता है, ठीक है। अगर आप 30 दिन से पहले लोगे तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होगी, फिर आपको बीच बीच में ब्लीडिंग होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर होगी, फिर बंद हो जाएगी, जिससे फिर जो पेशेंट है वो भी प्रॉब्लम में रहता है और परेशान हो जाता है, साथ ही जो प्रोसीजर है वो प्रोलोंग हो जाता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है, फिर आपको DNC भी करवानी पड़ सकती है। साथ ही अगर आप जो ये टैबलेट्स हैं ये 49 डेज से ज़्यादा के टाइम पीरियड पर लोगे तो भी जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो आइडियल टाइम पीरियड है 30-49 डेज, ओके। तो ये तो बात थी टाइम पीरियड की कि कब लेना चाहिए। अगला है कि इन टैबलेट्स को लेने का मेथड क्या होता है। तो इसके अंदर आपको 5 टैबलेट मिलती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट टैबलेट जो मिफेप्रिस्टोन की होती है, ये यूजली दिन के समय ही लेनी चाहिए। अब पेशेंट्स पूछते हैं सर दिन के समय क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए दिन के समय हर तरह का जो व्हीकल फैसिलिटी रहती है, हॉस्पिटल खुले रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। बाय चांस अगर इमरजेंसी रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप फटाफट आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। लेकिन अगर रात में लोगे तो व्हीकल नहीं अवेलेबल रहते, हॉस्पिटल भी ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, पूरी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती, फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको ये टैबलेट्स दिन के समय ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, इसको आपने पानी के साथ लेना है। सुबह आप पहले 2 घंटे पहले हल्का ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप 8 बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लाइट मील आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर 2 घंटे के बाद आपने ये टैबलेट पानी के साथ लेनी है, ठीक है, मिफेप्रिस्टोन।
ठीक है, और फिर उसके एग्जैक्ट 48 आवर्स के बाद में आपने जो लास्ट की 4 टैबलेट्स हैं उनका यूज़ करना है। देखिए अब क्या है कि कई बारी पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर पहले क्यों नहीं ले सकते, तो पहले इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने के लिए कम से कम 48 आवर्स लगते हैं। अगर आप 48 आवर्स से पहले ये टैबलेट्स ले लोगे तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट तो हुई नहीं है, और फिर आप आगे का जो प्रोसीजर शुरू करोगे तो फिर आपको वो जो एक्सपेक्ट करते हो जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, जितने क्रैम्प्स आने चाहिए, या फिर जो प्रोसीजर है जितने टाइम का होना चाहिए वो होता नहीं है, फिर आप परेशान हो जाओगे या फिर प्रोसीजर जो है वो इनकम्प्लीट भी रहेगा। ठीक है, तो आइडियल टाइम पीरियड 49 डेज का है, और जो इन टैबलेट्स को लेने का है, जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं उनको लेने का है 48 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 3rd डे पर आपने ये टैबलेट्स लेनी है। सुबह 8 बजे आप लाइट ब्रेकफास्ट करोगे, फिर 10 बजे आपने ये टैबलेट्स जीभ के नीचे रखनी है या फिर आप बक्कल कैविटी में रख सकते हो, आपने पानी के साथ नहीं लेनी है। काफ़ी पेशेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो इन टैबलेट्स को पानी के साथ ले लेते हैं, तो पानी के साथ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपके स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl बोलते हैं या फिर स्टमक जूस बोलते हैं। जब ये टैबलेट आप पानी के साथ लोगे तो स्टमक में जाएंगी, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा और फिर ये टैबलेट उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। आप ये मान के चलें कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो मुँह से वो एक खाना है, ठीक है, उसको बॉडी डाइजेस्ट करेगी, और इस डाइजेशन प्रोसीजर में जो इन टैबलेट्स की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इन टैबलेट्स ने ब्लड स्ट्रीम में, खून में घुलकर ही यूट्रस तक जाना है, फिर यूट्रस में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करनी है। ये टैबलेट्स अगर आप बाय ओरली लोगे तो स्टमक में जाएंगी, फिर वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी और प्रॉपरली ये ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस टैबलेट्स को हमेशा जीभ के नीचे लेना चाहिए, या फिर आप नीचे रख सकते हो या फिर आप बक्कल कैविटी में रख सकते हो। सबसे इफ़ेक्टिव मेथड दो ही हैं, एक तो जीभ के नीचे और एक बक्कल कैविटी में। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगी। इन टैबलेट्स का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट लेस होती हैं, लेकिन जब आप इन टैबलेट्स को घुलाओगे अपने सलाइवा अपने थूक से, जब ये डिजोल्व होंगी धीरे धीरे, तो आपको चाक जैसी फीलिंग आएगी, सेम वैसी जैसे ब्लैकबोर्ड पर चाक के साथ लिखते हैं वैसी वैसी आपको फीलिंग आने लग जाएगी, थोड़ा कड़वा टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो टैबलेट्स हैं ये विद इन 30-40 मिनट्स में अपने आप डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये टैबलेट्स लेने के बाद 2 घंटे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है, फिर आप कोई भी लिक्विड डाइट आप ले सकते हो, आप टी कॉफ़ी या फिर आप कोई शेक ले सकते हो, पानी ले सकते हो। उसके बाद फिर 1 बजे उसी दिन आफ्टर 3 आवर्स ऑफ टेकिंग मिजोप्रोस्टोल 2 टैबलेट्स। ठीक है, सुबह 10 बजे आपने ली है, फिर आपने 1 बजे दोबारा से 2 टैबलेट्स जीभ के नीचे रखनी है। प्रोसीजर सेम रहेगा, आप को थूक के साथ इसको गलाना है, डिजोल्व करना है, और जो थूक जो सलाइवा है उसको अपने निगलना है, उसको बाहर नहीं फेंकना, उसको आप निगल सकते हो। धीरे धीरे ये टैबलेट डिजोल्व हो जाएंगी 30-40 मिनट में। ठीक है, तो ये तो था प्रोसीजर कि इन टैबलेट्स को कैसे यूज़ करना है। आगे बात करते हैं कि क्या होता है, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, क्या आप ऑब्जर्व करोगे इन टैबलेट्स को लेने पर। तो जब आप इन टैबलेट्स को लोगे, जो फर्स्ट टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, इन टैबलेट्स को लेने पर प्रोसीजर तो शुरू हो जाता है टर्मिनेशन का, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होता है टर्मिनेशन प्रोसीजर, हैवी ब्लीडिंग, जो एब्डोमन क्रैम्प्स हैं वो शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। फर्स्ट टैबलेट लेने पर बहुत ही कम फीमेल्स को लाइट एब्डोमन पेन, लाइट स्पॉट, लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इन टैबलेट्स को लेने पर कुछ समय के बाद कई फीमेल्स को मितलाई आना या फिर वोमिटिंग आने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि इन टैबलेट्स के इफ़ेक्ट से होती ही हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है तो बॉडी आपको इंडिकेट तो करेगी ही। ठीक है, तो इन टैबलेट्स जो फर्स्ट टैबलेट है इसको लेने पर आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। अगली जो टैबलेट है मिजोप्रोस्टोल, जब आप इन टैबलेट्स को लोगे, ठीक है, जैसा मैं जो आपको मैंने मेथड बताया है, इन टैबलेट्स को लेने पर 30-4 आवर्स के बीच में आपको पहले तो हैवी क्रैम्प्स आएंगे, बहुत ही ज़्यादा पेट दुखता है, लाइक जैसे नॉर्मल डिलीवरी में होता है, ठीक है, वैसे ही आपको पेन आएंगे, लेकिन ये जो पेन है
ये मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स तक रहते हैं, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हैवी पेन आने के बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। कई फीमेल्स को शिवरिंग होती है, फीवर आता है, डायरिया होता है, वीकनेस और लिथर्जी महसूस होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो मिजोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने पर आपको पहले तो एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे, फिर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और ब्लीडिंग भी हैवी ब्लीडिंग होगी। हैवी ब्लीडिंग मतलब कि आपको पैड में भी ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है। तो आप जब वॉशरूम में जाओगे तो भी क्लोथ्स वगैरह और टिश्यूज़ वगैरह निकल सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, फर्स्ट 24 आवर्स तो आपको हैवी ब्लीडिंग होगी और ये जो प्रोसीजर है ये विद इन 10 डेज में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। आगे बात करते हैं कि किन लोगों को ये टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। तो पहले नंबर पर है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ये टैबलेट्स लेने पर इसका जो इफेक्ट है ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी जा सकता है, इसीलिए अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको इन टैबलेट्स को नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है एप्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपको कंफर्म करना है कि आपको प्रेगनेंसी जो है वो इंट्रा यूटीरियन ही हो, मतलब कि यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी लगी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही लगी है तो ही टर्मिनेशन होगा। अगर ये फेलोपियन ट्यूब में या फिर एब्डोमन के अलग रीजन में लगी हुई है, कहीं बाहर है, मतलब कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो फिर ये टर्मिनेट नहीं होगा और फिर ये कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, जान जाने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है वो इन टैबलेट्स की कॉन्ट्रैक्शंस को, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनको झेलने के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। इनको यूट्रस ही झेल सकता है, क्योंकि उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं और एक जो यूट्रस है एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो वो इन कॉन्ट्रैक्शंस को झेल सकता है यूट्रस, लेकिन फेलोपियन ट्यूब इन कॉन्ट्रैक्शंस को झेल नहीं सकती। वो रैप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी, फिर आपको इंटरनल ब्लीडिंग होगी, बीपी फॉल होगा, शॉक में भी जा सकते हो, फिर आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो आपको कंफर्म करना है कि आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, और इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाओगे प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए तो आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करेंगे। उससे ये पता लग जाता है कि एक तो गेस्टेशन पीरियड कितना है, मतलब कितने टाइम की आपको प्रेगनेंसी है, और दूसरा ये कि आपको प्रेगनेंसी कौन से रीज़न में है, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन आपके फेवर में रहती हैं तो आपको फिर हम लोग प्रेस्क्राइब कर देते हैं ये टैबलेट्स, ठीक है। तो अगला है कि अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, लीवर किडनी की डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, या फिर आपको बीपी शुगर थायराइड की मेडिसिन चल रही है, या कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही है, या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो भी आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपने खुद से ये मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। अगला है एनीमिया। अगर आपको खून की कमी है, आपका एचबी लेवल कम है, तो भी आपको ये टैबलेट्स नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि इन टैबलेट्स को लेने पर ब्लीडिंग होती है, और अगर आपका एचबी लेवल ऑलरेडी कम है तो फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगली कंडीशन है इंट्रा यूटीरियन डिवाइस। अगर आपने कॉपर टी या फिर आईयूडी करवाया हुआ है तो भी आपने पहले तो कॉपर टी को निकलवाना है, फिर आपने ये टैबलेट्स लेनी है। तो ये तो बात थी कि इन लोगों को इन टैबलेट्स को नहीं लेना चाहिए। आगे बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जो मोस्टली दिक्कत है वो है इनकम्प्लीट टर्मिनेशन। अगर आपको ये टैबलेट्स ली हैं और क्लीन नहीं हुआ है, तो जो क्लीन ना होने का जो डेफिनेशन है वो है इनकम्प्लीट टर्मिनेशन, ठीक है। जिसके चलते फिर आपको सेप्सिस हो सकता है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि यूट्रस से पूरा जो जहर है वो शरीर में फैल गया, ठीक है। या फिर आपको जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूसली होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, और फिर आपको को ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, आपका बीपी फॉल होगा, शॉक में जाओगे, तो बहुत ही अननेसेसरी आपको कॉम्प्लिकेट करेगा। तो आपको एनीमिया होने की कंडीशन में भी ये टैबलेट नहीं लेनी है। दूसरा है हैवी ब्लीडिंग। इन टैबलेट्स को लेने पर आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा कि हैवी ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिए, अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा, अगर 1 घंटे में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जिसके चलते आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। और अगला है एब्डोमन क्रैम्प्स। अब कितने एब्डोमन क्रैम्प्स, कितना एब्डोमन पेन,
देखिए, अगर आपको पेन किलर खाने के बाद भी लगातार एब्डोमन क्रैम्प्स, एब्डोमन पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एब्डोमन क्रैम्प्स आ रहे हैं, जिसके चलते आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगला है हाई ग्रेड फीवर, जो कि यूजली इन्फेक्शन होने का या फिर सेप्सिस होने का इंडिकेट करता है, ठीक है। और अगला है, अगर आपके वजाइनली आपको येलो कलर का फ्लूड आ रहा है, इचिंग हो रही है, या फिर आपको पेन हो रहा है फ्लूड निकलते टाइम, या फिर बैड स्मेल आ रही है किसी टाइप की, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको सेप्सिस हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओके, तो ये थी कॉम्प्लिकेशंस। और अगर आप डिटेल में ये वीडियो देखना चाहते हो, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल की एमटीपी किट को आप जरूर देखें, पूरी डिटेल्ड वीडियो है और हर तरह की आपको जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार ही हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।